हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप खुद के अपने मोबाइल से घर बैठे अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से इजी स्टेप फॉलो करके अपने घर बैठे खुद के अपने मोबाइल से। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर चलने से पहले आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल टेक्निकल आलोक को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं कि ये सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे चलने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे UIDAI। तो देखिए, पहले से हमने टाइप करके रखा है यहाँ पे UIDAI, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेगा UIDAI.gov.in। ये जो है आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे सामने जो आधार का ऑफिशियल साइट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो उसमें आप यहाँ पे तीन नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड आधार। तो हम इस पर डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लगेगा, और यहाँ पे आप डाउनलोड आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा खुलने में समय लग रहा है, थोड़ा वेट कर ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो है आ गया। तो यहाँ पे आप तीन कोई आईडी डाल करके अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे आप आधार नंबर अपना भी डालकर यहाँ से आधार डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं, और तीन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल आईडी भी आप डाल सकते हैं। तो हमारे पास आधार नंबर है, तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। तो देखिए, हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल लिए। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना कैप्चा जो है फिल कर ले रहे हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पे सेंड ओटीपी आपको नीचे दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक करने के बाद तो देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया है। तो ओटीपी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो है ओटीपी है, हम इसमें फिल कर ले रहे हैं। तो ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इसमें ऑप्शन दिया है, हम इसको ऑप्शन को कुछ भी आप ऑप्शन में यहाँ से डाल सकते हैं। इसको यस कर देंगे, ये 5 वर्किंग डे दे रहा है, तो इसको 5 या 6 या कुछ भी इसमें आप टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से आधार डाउनलोड होने लगेगा। तो थोड़ा समय लग सकता है, और यहाँ से हमारा आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो गया है। तो देखिए, इसमें पासवर्ड बोल रहा है, तो हम पासवर्ड यहाँ से डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, इस पर आप पासवर्ड डालिएगा क्या। तो पासवर्ड डालने के लिए पहले हम बता दें कि जो कस्टमर का नेम, जिनका आधार है, उनका जो भी नाम है, वो नाम का कैपिटल लेटर में आप उनका 4 डिजिट डाल लीजिएगा। जैसे हमारा नाम आलोक है, तो ALOK, तो हमारा जो कैपिटल लेटर में नाम डाल लेंगे ALOK। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप डाल लीजिएगा, जिस ईयर में आपका जन्म हुआ है। तो हमारा जन्म 1994 है, तो हम 1994 यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और ओपन करेंगे। तो देखिए, जैसे ही ओपन किए, हमारा जो है आधार कार्ड शो हो गया। तो ऐसे ही हम UIDAI जो ऑफिशियल साइट है आधार का, इससे हम आसानी से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।